मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ आपके सदर से, आपके चीफ जस्टिस से, जिसने फाइनली आखिरकार हमारा जो ये मुतालबा था इस केस को हियरिंग के लिए रखा है। मैं यही मकसद था रेफरेंस सदर पाकिस्तान ने रेफरेंस फाइल की। मकसद मेरा पार्टी होने का यही है कि हम ना सिर्फ चाहते हैं कि इसको दुरुस्त किया जाए, मगर हमेशा के लिए ये इस किस्म का काम जो है वो सुप्रीम कोर्ट से या हमारे अदालतों से ना हो और ये हमेशा के लिए वो दरवाज़ा बंद किया जाए। इस पर मैं मज़ीद मगर मैं आप सबका खास तौर पे शुक्रगुजार हूँ, इसलिए जर्नलिस्ट कम्युनिटी ने मुसलसल इस बात को उठाया है, चीफ जस्टिस साहब के सामने उठाया है, और अब मैं समझता हूँ कि ये केस जारी है, हमारा आगे जाके एक हियरिंग होगा, और मैं आप सबका मदद चाहता हूँ इसमें, मैं लीगल फ्रटर्निटी का और हमारा मीडिया का फ्रटर्निटी का, कि अब हमारे ऊपर जिम्मेदारी है कि हम कायदे अवाम शहीद ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो को इंसाफ दें और कोई कसर ना छोड़े। हमने अपना लीगल केस, अपना बयानिया, अपना मौकिफ जजेस के सामने, मुल्क के सामने रखना है। आपने आज देखा होगा कि आज भी कोते हैं जो चाहते हैं कि अवाम को गुमराह दें, आज भी कोते हैं जो चाहते हैं कि ये जो तारीखी नाइंसाफ़ी है उसको दुरुस्त ना किया जाए या वो मज़ीद मुलतवी किया जाए। तो हमने अपने तरफ से सब मिल के इंशाल्लाह ताला ये केस लड़ना है, और मैं पूरा जो जुडिशरी है उस पर इतना अतमाद है कि वो इंशाल्लाह ताला आखिरकार हमें इंसाफ देंगे।